तो गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल मिशन सक्सेस 1.0। और आज हम आ चुके हैं, रात में आए हैं आज तो भारत दर्शन पार्क। और रात में आने का एक रीज़न भी है, क्योंकि दिन में तो हम लोग बहुत बार आ चुके हैं, बट रात में आके ना हमें लाइटिंग देखनी थी, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स है ना वो लाइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा ही प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और भारत दर्शन पार्क के बारे में अगर मैं बताऊँ तो दिल्ली में ये है, पंजाबी बाग में है। और टिकटिंग की अगर हम बात करें तो 75 रुपीज़ पर पर्सन है वीक डेज में, और वीकेंड पे आपको टिकट जो है बिल्कुल डबल हो जाता है, प्राइस जो है 150 रुपीज़ पर हेड। और हाँ, मैं यहाँ पे पार्किंग की भी बात करूँगा, तो भाई पार्किंग अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो ध्यान रखना, पार्किंग 100 रुपीज़ पार्किंग है यहाँ पे। तो दिल्ली में सबसे महंगी पार्किंग तो मुझे इस जगह की लगी 100 रुपीज़, क्योंकि इतनी जगह मैं घूमा हूँ और मैंने कभी भी 100 रुपीज़ पार्किंग पे नहीं की है। तो चलो कोई बात नहीं, अब आए तो घूमेंगे और अब चलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स कैसे हैं लाइटिंग के साथ, क्योंकि दिन में तो हम पहले भी आ चुके हैं लेकिन लाइटिंग के साथ देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आज जर्नी इन भारत दर्शन पार्क। देखो यहाँ से लाइन आपको अच्छा दिखेगा, ये पूरे वेस्ट से बनाया हुआ, जैसे वेस्ट ऑफ वंडर है ना, इसी तरह ये है हमारा भारत दर्शन पार्क। बस भारत दर्शन पार्क में है कि डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, और वेस्ट ऑफ वंडर में क्या है कि वर्ल्ड के जो 7 अजूबे हैं वो बने हुए हैं, और यहाँ पे इंडिया के जो डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो हैं। अभी आपको आगे चलेंगे और दिखाएंगे डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स। तो भाई जब आप भारत दर्शन पार्क में एंट्री करते हो ना, तो एंट्री करते ही आपको मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता है कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग के साथ ना, तभी रात में आने का रीज़न ये था कि लाइटिंग के साथ हमें मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। और ये गेटवे होगा, मैं आपको बताऊँ ये किस किस से बना हुआ है, देखो एंगल्स एंड पाइप, साइकिल का चिमटा, टायर रिम, साइकिल टायर्स, गियर्स, ये जो बना हुआ है ना ये इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ। तो गाइज गेटवे ऑफ इंडिया के बाद आपको दिखता है ये ट्री, वट वृक्ष इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अनियन ट्री। ये देख सकते हो कितना अच्छा ट्री बनाया हुआ है, और पूरा वाटर फाउंटेन के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है रात में ना, ये यू कैन सी। तो गाइस बैनियन ट्री से जब आगे हम पहुंचते हैं ना, तो ये आपको दिखेगा हवा महल, और हवा महल आपको पता है कहाँ है, जयपुर में। तो देख सकते हो लाइटिंग के साथ कितना प्यारा व्यू आ रहा है हवा महल का, यू कैन सी। तो ऐसे ही डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स अभी मैं आपको आगे और दिखाऊंगा। तो भाई ये है इंडिया का गोल गुंबद, जो कि सबसे बड़े गोल गुंबदों में एक है, ठीक है। मीनार दिल्ली में जो भाई रहते हैं उन सबको तो पता ही होगा कुतुब मीनार, और हमने असली का भी देखा, तो ये पूरा कुतुब मीनार आप देख सकते हो। और यहाँ से मैं पूरा फ्रेम आपको दिखा सकता हूँ कुतुब मीनार का, देखो आप कितना प्यारा लग रहा है कुतुब मीनार लाइटिंग के साथ। हमने अतर को रेलगाड़ी में भी बुलाया, क्योंकि वो रेलगाड़ी के बिना मानता ही नहीं, तो हमने रेलगाड़ी का भी एक टूर करवा दिया अतर को। और गाइज ये है इंडिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, फेमस इन द सेंस बहुत ही एंशियंट फेमस यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का साथ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। और गाइज ये है मीनाक्षी मंदिर, ये मीनाक्षी मंदिर भी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गाइज मीनाक्षी मंदिर के बाद ये जो है वो है हमारा बद्रीनाथ टेम्पल इंडिया का, जो कि उत्तराखंड में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और आफ्टर बद्रीनाथ टेम्पल ये है हमारा द्वारकाधीश मंदिर, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, और ये मंदिर भी आप देख सकते हो। तो इसी तरह के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, सारे ही ऑलमोस्ट सारे मॉन्यूमेंट्स कवर किए हुए हैं इस भारत दर्शन पार्क के अंदर, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए सारी चीज़ें हैं, मेटल से सारी बनाई हुई चीज़ें। तो गाइज बद्रीनाथ टेम्पल और द्वारकाधीश टेम्पल के बाद ये है हमारा रामेश्वरम में स्थित रामेश्वरम टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है ये टेम्पल, और बहुत ही और ये फेमस टेम्पल है, क्योंकि हमारे चार जो तीर्थ स्थान है उनमें से एक है रामेश्वरम टेम्पल हमारा। और रामेश्वरम टेम्पल के बाद ये है हमारा जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ये टेम्पल भी आप देख सकते हो। टेम्पल इन द सेंस बना रखा है इन लोगों ने मेटल की चीज़ों का यूज़ करके, और बहुत ही प्यारा लगता है रात की लाइटिंग में। तो गाइस ये नेक्स्ट है महावत पैलेस, आप देख सकते हो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ठीक है, बट आप
था यहाँ पे मॉन्यूमेंट बना हुआ, तो मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज महावत पैलेस। तो गाइज ये है सांची स्तूप, जिसको हमने अपने SST की बुक्स में भी बहुत पढ़ा हुआ है। तो ये सांची का स्तूप आप देख सकते हो, और अगेन ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैं क्या बोलूँ, मैं तो हर एक मॉन्यूमेंट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लाइटिंग, रात की लाइटिंग में। तो आप कभी भी आओ ना घूमने, तो यहाँ पे कोशिश करना कि रात में ही आओ, भीड़ भाड़ भी थोड़ी कम रहती है। और तो गाइस मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो रात में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लाइटिंग के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मैं अगर आपको एक सजेशन दूँ ना, तो आना तो रात में ही घूमने आना है यहाँ पे, बिकॉज क्राउड भी बहुत कम है और वेदर इन द सेंस अच्छा ही है, धूप नहीं मिलेगी। और हाँ, लाइटिंग के साथ जो मॉन्यूमेंट्स की एक खूबसूरती है ना, इट इज़ वेरी गुड। तो अगर आप कभी भी प्लान बनाओ तो प्लीज़ कम एट नाइट, बहुत ही प्यारा है। और हाँ, टाइमिंग की अगर बात करें तो 10 बजे तक ये पार्क खुला रहता है, तो 10 बजे से पहले पहले ही आप यहाँ पे आए। और गाइस यहाँ पे ना ये पार्क भी है छोटा सा, जो कि एक बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको और बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जीप है, कार है, और ये बच्चों का सबसे फेवरेट झूला भी एक। और यहाँ पे खाने पीने का भी प्रॉपर इंतजाम है, आप पीछे देख सकते हो पूरी कैंटीन एरिया यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। तो यहाँ पे आप खाने पीने का भी आपके लिए पूरा, मतलब बोल सकते हैं, बंदोबस्त किया हुआ है। तो गाइस ये है विक्टोरिया पैलेस, जो कि आपको पता है कोलकाता में प्लेस्ड है, सिचुएटेड इन कोलकाता, विक्टोरिया पैलेस। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त, आपको मैं फुल फ्रेम में दिखाता हूँ, दिस इज़ वेरी गुड, ये विक्टोरिया पैलेस। और गाइस ये है हम्पी चैरियट, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में दिखा दी है। और ये हम्पी चैरियट बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, मैं भी आपको आगे से भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हो सामने से भी इसको, बहुत ही प्यारा लग रहा है रात की रोशनी में। दिस इज हम्पी चैरियट, हम्पी रथ हिंदी में इसको बोलेंगे। तो गाइस ये है ताजमहल, जिसको कि आप सभी जानते हैं, सबने सुना होगा ताजमहल आगरा में, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। दिस इज ताज। और गाइस ताजमहल के बाद ये है मैसूर पैलेस, जो कि मैसूर में ही सिचुएटेड है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है आपको लाइट में इसका। और गाइस ये है हैदराबाद की चार मीनार। तो मैसूर पैलेस के बाद हम आए हैं हैदराबाद के चार, कोणार्क मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर, इसका भी आप देख सकते हो। ये है अजंता एलोरा की गुफाओं का एक मॉन्यूमेंट, और ये भी अगेन बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो पूरा व्यू। और गाइस इस पार्क का जो नाम दिया हुआ है ना, भारत दर्शन, तो एक्चुअल में सोच समझ के नाम दिया हुआ है, क्योंकि आप इसे एक सिंगल पार्क में पूरे भारत के दर्शन कर सकते हैं, पूरे इंडिया को टूर कर सकते हैं, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स जो इंडिया के हैं, जो आप पूरे इंडिया में घूम घूम के नहीं देख सकते। तो आप इधर आ जाइए और आपको पूरे इंडिया के मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हैं इंडिया के अंदर। तो बहुत ही अच्छा लगा रात में यहाँ पे आके, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, अभी एक आध मॉन्यूमेंट्स और बचे हैं वो भी दिखा के फिर चलते हैं घर की तरफ। एंड गाइस आफ्टर अजंता एलोरा गुफा, दिस इज़ खजुराहो मंदिर, जो कि MP में सिचुएटेड है, आपको पता होगा खजुराहो के मंदिर। तो गाइस अब करते हैं एग्जिट भारत दर्शन पार्क से, और मैंने दिखाया रात में यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे व्यू दिखे, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स की लाइटिंग के साथ। और मैंने आपको बताया भी कि अगर आपको आना हो ना, तो आप रात में ही यहाँ पे विजिट करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है मॉन्यूमेंट्स का, प्लस और क्राउड भी बहुत कम रहता है, और वेदर भी ठंडा ठंडा है। तो अब ये था हमारा आज का ब्लॉग भारत दर्शन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।